हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरे एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं बान फाइंडर एपिसोड नंबर 8। और अगर आपको याद होगा कि जो हमारा एपिसोड नंबर 7 था भाई, उसमें ना हम एक आइसलैंड पे गए थे जहाँ की ना बहुत सारे बंदे जाके भाई गुम हो जाते थे, मतलब कभी वो लौट के नहीं आते थे। हम उस वाले आइलैंड पे गए थे और हाँ, एक अंकल जी के रेंच में गए थे जो कि भाई उधर से काफ़ी सारा सामान मिला। और एलियन भाई, एलियन का यूएफओ जो कि पानी में से निकला था, बट चलो कोई नहीं, हम वहाँ से ना काफ़ी सारा सामान लेके आए और हमने अपने स्टोर पे रख दिया। और देखो मैं ना इतनी देर से बास्केटबॉल में ना भाई बॉल डालने में लगा पड़ा हूँ, पर जा ही नहीं रही थी, अब लास्ट में जाके गई है। तो ठीक है, देखो हमारी जो शॉप है उससे पहले ओपन करते हैं। और हाँ, यहाँ पे मेरे पास ना काफ़ी सारा सामान है जो कि भाई तुम्हें दिख जाएगा देखो। और मैंने ना इसके जो वॉल्स थे उसको अपग्रेड कर लिया है अच्छी तरह से, मतलब मैंने काफ़ी सारे पैसे लगाए हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा कर लिया है। और मैं देख लेता हूँ आज की जॉब हमें क्या मिलने वाली है। तो ठीक है, आज ये जॉब है और शायद से इसमें मेरे को नहीं पता बीडिंग है या नहीं, पर चलो कोई नहीं। आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई जो हमारा स्टोर है उसको अपग्रेड करा जाए पूरी तरह से। अभी मेरा $3,000 है ना, पहले ना मैं नीचे जो सेल्फ है इन्हें अपग्रेड करके देखता हूँ कि देखने में कैसे लगते हैं। बाकी यहाँ पे सबसे महंगे वाले अपग्रेड करेंगे, मतलब यार इतना ज़्यादा सस्ता नहीं, सबसे महंगे अपग्रेड करेंगे। और दो कस्टमर्स आए हैं अभी, दो मिनट, कस्टमर्स को अटेंड कर लें पहले हम। और इसे ये टेबल वाली अलमारी लेनी है कितने डॉलर में भाई, $28 प्लस करें इसने, दो मिनट, $155 अभी भी प्लस नहीं भाई, अब ये ज़्यादा पैसे तो नहीं देने वाला। पर हाँ, मैंने इसे सेल कर दिया। और ये भाई साहब क्या लेने आए हैं, ये भाई टायर लेने आए हैं, काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा तो सस्ते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा तो टोटल नहीं हो पाएगा। पर हाँ, $50 के भाई, $40 के अराउंड गए हैं पूरे के पूरे पैसे। बाकी अभी इससे बात करते हैं। और ये हमारे क्या लेके आई है भाई, अभी ना ये सस्ता तो दे रही है बट अभी थोड़ा और प्राइस से भाई ये मार के कैसे दिखा रही है, दो मिनट, इससे ना मैं डिस्क्लेन भाई बाहर जा तू, हमारी दुकान से बाहर जाए भाई, पता नहीं हाथ कैसे हिलाने में लगी हुई थी। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद हमारे स्टोर में आके हमसे ही पंगे ले कोई। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अपग्रेड करने जा रहा था सेल्फ को, तो मैं जल्दी से इसे अपग्रेड करता हूँ अच्छा खासा। तो यहाँ $875 का है भाई ये, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, इन सबको भी मैं ऐसे ही अपग्रेड कर लेता हूँ, पर अभी दो मिनट, कस्टमर भी अटेंड करने हैं ना, दो मिनट, इससे को एक को अपग्रेड कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने अपग्रेड तो कर लिया है, बट अभी तीन अपग्रेड हमारे हो चुके हैं, पर अभी भी ना भाई हमारे पास पैसा, टोटल पैसा उतना नहीं है जो कि हम पूरे का पूरा जो हमारा स्टोर है उसे अपग्रेड कर सकें। तो चलो मैं इससे बात करता हूँ अभी इस वक्त। अभी ये कितने में बेच रहा है भाई, $65 दे रहा था ना हमें, तो $5 और प्लस करें हैं। बट हाँ, जो मतलब यार जिसमें हम पैट्स रखते हैं अपने छोटे से भाई, उसका प्राइस अच्छा खासा प्राइस दे रहा भाई ये, मेरे को तो लगा सस्ते में ही लेके जाएगा, $55 की चीज़ ये $85 में लेके जा रहा है इस वक्त। तो चलो ठीक है ये बात भी, पर हाँ अभी ना मेरे को बहुत सारा सामान जो अपना स्टोर का है वो अपग्रेड करना है, पर उसके लिए मेरे को काफ़ी सारे पैसे चाहिए। तो हम एक चीज़ आज करते हैं, क्यों ना हम काफ़ी सारा पैसा कलेक्ट करें और देखने में जितना भी स्टोर का आज हमारा सामान है उसको अपग्रेड करते हैं अच्छे खासे पैसों में। और हाँ, जब हमारे पास पैसे कलेक्ट हो जाएंगे फिर एक एक चीज़ को अपग्रेड करेंगे। तो चलो मैं इससे बात करता हूँ, ये $94 अभी दे रही है इस चीज़ के, और $21 और प्लस, मतलब $100 तो वैसे ही बन गए भाई। तो ठीक है, इसको हम इसका सामान देते हैं और चलो तुम भी अपना सामान। भाई ये एजेंट किस लिए होते हैं मेरे को अभी तक नहीं पता, तो मेरे को कमेंट में जाके तुम सब बताना कि ये एजेंट किस काम आते हैं। बाकी मेरे स्टोर में भी और सामान भाई, अभी स्टोर तो बहुत सामान पड़ा है। और जो हम कंप्यूटर असेंबल कर रहे थे ना, उसका जो कीबोर्ड अब मिला था जाके, उसको भी मैं असेंबल कर देता हूँ अब। और फाइनली हमारा जो कंप्यूटर था वो असेंबल हो चुका है पूरी तरह से। तो चलो इसको उठा के अपने स्टोर में रखते हैं। और सैसे भाई क्या था ये, दो मिनट, हाँ कंप्यूटर ही है, मेरे को गेमिंग कंसोल क्यों लग रहा था ये। तो ठीक है, इसको हम चल के लगाते हैं। और वहाँ देखो भाई, यहाँ पे ना ये सुस्त सा बंदा है, मतलब भाई ये ऐसे बोलता है कि ना सही में यार काफ़ी ज़्यादा प्यारा बंदा है। तो चलो ठीक है, इसे हम जल्दी से पे करते हैं, मतलब जो भी सामान है इसको बेचते हैं। और अभी ये 11 भाई, इसने आज पहली बार थोड़े से पैसे बढ़ाए हैं, कभी बढ़ाता नहीं। और यहाँ देखो ये एलियन भाई साहब को क्या पसंद करा इन्होंने भाई, पर इसका जो प्राइस है ना वो अच्छा दे रहे हैं, और इन्होंने भाई और ज़्यादा प्राइस बढ़ाया, तो थोड़ा बहुत और बात करता, पर चलो ठीक है कोई नहीं। अभी इसने प्राइस बढ़ाया था तो इसमें इसे सेल कर देता हूँ, अपना अच्छा दोस्त है ये एलियन भी। और अभी ना मेरे को इससे बात करनी है, और ये ना एक टेबल लेके आया है
जो कि मेरे को $101 में बेच रहा है। अभी अगर ये प्राइस और भी कम करेगा तो ही मैं इससे लेने वाला हूँ ये, तो ठीक है इसने काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम करा है इसका, तो अभी ना मैंने सेल कर लिया। मतलब यार $100 की चीज़ इसने हमें $60 में दे दिया ये समझो। तो ठीक है यहाँ पे अभी मैं कंप्यूटर को सेट कर रहा था, तो कंप्यूटर भाई यहाँ क्यों नहीं आ रहा कंप्यूटर, तो $500 का है ये कंप्यूटर वैसे देखा जाए तो, पर चलो कोई नहीं। मैं ना अभी इसे, ये आएगा कहाँ पे भाई, ये सेल्फ पे आना चाहिए वैसे, तो यहाँ पे नहीं भाई आ गया, परफेक्टली इसे भी रख दिया है मैंने। तो चलो ठीक है इससे मैं बात करता हूँ। और ये कितने रुपये का सामान लेके जाएगा हमारा, $26 भाई। ये छोटे छोटे आइटम्स भी ना बड़े काम की चीज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिल जाता है इनसे। तो ठीक है इससे मैंने देखो ट्रेडिंग करी और इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा भी पैसा मिल गया। अभी मैं इससे बात करता हूँ, इससे क्या लेना था, हमारे पास एरो पड़ी है ना, तो ये लेने आई है ये, तो $53 भाई इसने प्लस कराया। तो फाइनली मैंने इसे ना वो वाला सामान भी सेल कर दिया। तो ठीक है अभी ना हमारी दुकान में काफ़ी सारा सामान था वो मैंने बेच दिया है, और अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं, पर हाँ $2000 के अराउंड हो चुके हैं। अभी मैं ना और चीज़ें देख लेता हूँ जो कि रिपेयर या ठीक है भाई ये वॉशिंग मशीन है ना, ये रिपेयर होने के लिए है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, दो मिनट, असेंबल के लिए भी चीज़ें हैं कुछ, तो मेरे को ना अभी सामान रिपेयर करना है, तो यहाँ पे एक फ़ोटो भी रिपेयर होगी। पहले ना मैं वॉशिंग मशीन को लेके चलता हूँ रिपेयर करने के लिए, और रिपेयर करने के बाद इसे भी अपने स्टोर में लगाते हैं। तो चलो इसे यहाँ पे रखो, पर अभी ना एक कस्टमर आया है शायद से, पहले ना मैं चल के उसे भी अटेंड कर लेता हूँ। कहाँ भाई कस्टमर, दो कस्टमर अभी आया यार, मुझे लगा ना भाई ये पहले ही आ चुके हैं। तो ठीक है इसे क्या चाहिए, इसको इसका सामान देते हैं, बाकी $10 प्लस करे हैं $126। अभी देखता हूँ और कितने प्लस हुए, $137 में से मैंने सेल कर दिया सामान। बाकी ये जो चेयर है भाई किंग वाली, ये कोई नहीं लेने आ रहा, और इस लड़की ने तो भाई पैसा ही नहीं बढ़ाना, तो भाई क्या बढ़ा है, $5 प्लस करे हैं इसने हमारे स्टोर में आने के बाद। तो चलो ठीक है कोई नहीं, अभी ना मैं चल के अपना जो वॉशिंग मशीन है उसको ना रिपेयर कर लेता हूँ ढंग से। तो ठीक है यहाँ से भाई टक टक, तुम्हें पता है ना हथौड़ा तो चलाना है हमने, बाकी ये अपने आप ही रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा बहुत लोहा धागा लोहा लगा भाई, लोहा काफ़ी ज़्यादा लगा इसमें, और भाई हमको ना काफ़ी ज़्यादा आयरन ढूंढना पड़ेगा यहाँ से। तो ठीक है हमारे जो वॉशिंग मशीन है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, मतलब यार हमारे स्टोर में आने के लिए। तो चलो इसको हम सेल्फ पे लगाते हैं, फाइनली ये भी लग चुका है। और यहाँ से पहले मैं इस लड़की, भाई इस कंप्यूटर के $550 प्लस $600 इस प्लस मिल रहे हैं हमें। अभी मैं और करता हूँ तो ये कितने भाई, इसके हमें ना पूरे के पूरे $650 मिले हैं इस खाली कंप्यूटर के। तो सोच लो गाड़ी से भी ज़्यादा, मतलब हाफ प्राइस में हमको ये कंप्यूटर पड़ा था, और भाई अच्छे खासे प्राइस में चला गया। बाकी इसको ये कैप चाहिए ब्लू कलर की, तो इसे हम सेल करते हैं भाई $10 प्लस करें हैं। तो ठीक है $50 की कैप हमने $60 में से सेल कर दी। बाकी ये क्या लेके आया, तो $308 में दे रहा है ना, तो ठीक है भाई थोड़ा सा और माइनस कर दे तो मैं ना इसे बाय कर लेता हूँ। अभी ना सही प्राइस था वैसे उसका, पर मैंने ना सोचा भाई उसे भेज दो, क्योंकि उसने कम ही नहीं करा बिल्कुल भी। और अभी ना हमारे पास सेल्फ देख लेता हूँ भाई, सारा का सारा सामान पहले मैं लगाता हूँ। यहाँ देखो मैंने बहुत सारा सामान था, जो भी जितना भी लेके आया था मैंने सब लगा दिया है अपने सेल्फ पे। बाकी शायद से यहाँ वाला सामान तो अभी मेरा सेल ही नहीं हुआ, और यहाँ पे भी कुछ बचा है, नहीं नहीं अब इसमें ना कोई छोटा मोटा सामान नहीं बचा है। बाकी इसको ये चाहिए, तो ठीक है ये मेरे को लग रहा है काम करेगी, जाके सीमेंट रेता बनाएगी। तो ठीक है इससे हम बात करते हैं, $300 नहीं नहीं प्लस ही दिया भाई $300 से इसे, तो मैंने इसे सेल कर दिया, काफ़ी अच्छी लड़की थी ये। तो चलो इससे मैं बात करता हूँ, और इसे भी एक पेट हाउस चाहिए जो कि अच्छे खासे पैसे पहले ही दे रहा है, बाकी थोड़े बहुत पैसे और प्लस कर रहा है उसमें। तो ठीक है अभी भाई और पैसे नहीं देगा, तो ठीक है इसे हम सेल करते हैं, तो हमने उसे भी सेल कर दिया। बाकी अभी ना और भी चीज़ें, मतलब अभी देखता हूँ मेरे को और क्या रिपेयर करना है। बाकी हाँ असेंबल करने वाला सामान तो मेरे पास इतना ज़्यादा भी पड़ा नहीं है, पर चलो अभी मैं चल के स्टोरेज में अपने देख लेता हूँ भाई इधर पे और कौन सा रिपेयर। अभी ना एक फ़ोटो थी रिपेयर के लिए, तो मैं ना फ़ोटो ले जाता हूँ रिपेयर की, और बाकी आके और कुछ है क्या, नहीं नहीं फ़ोटो लेके चलते हैं हम, इसे रिपेयर करते हैं और अपने स्टोर में इसे भी लगाते हैं। और इसका प्राइस देख लो $145 के अराउंड है, पर हाँ बिना रिपेयर करे तो भाई ये बिकेगा नहीं, और उसमें ना कुछ धागे लगे हैं, हाँ धागे ही हैं भाई सामने की तरफ। तो बाकी अभी शायद से पीछे से भी रिपेयर करना है, तो पूरा रिपेयर नहीं हुआ अभी ये, तो यहाँ पे वुड लगी है भाई, तो इसे भी रिपेयर करते हैं हम जल्दी से, इसे भी रिपेयर करा। तो ठीक है फाइनली ये फ़ोटो भी रेडी हो चुकी है, जो कि $145 में जाएगी, मतलब हमें भाई फ़ोटो गिर गई नीचे, गिर गई फ़ोटो, दो मिनट फ़ोटो को मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये ना कहीं पर भी अगर लगती है तो भाई गिर जाती है। बाकी ये लग जा भाई, दो मिनट ये ना यहाँ पता नहीं
क्यों नहीं लग रही, बाकी इसे लग जाना चाहिए। तो ठीक है, इसे ना मैं स्टोर में डालूंगा और फिर से ट्राई करेंगे। तो यार हाँ, वॉशिंग मशीन का जो भाई कस्टमर आया था वो गायब हो गया, पर कोई नहीं, दूसरा कस्टमर आ चुका है। और इस लड़की को तो भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब यार कभी कभार इसकी हरकतें सही होती हैं, कभी कभार ये अजीब ही हरकतें करती है। तो ठीक है, इसे ना हम अभी स्टोर में रखते हैं अपने, और अभी ना मैं चल के वहाँ चलता हूँ और देखता हूँ भाई यहाँ पे अब आएगा इस वाले सेल्फ पे या नहीं। बाकी सेल्फ पे तो नहीं आया, देखो ये वाले सेल्फ पे ये आ चुका है, $145 का प्राइस भी। अब हमें देखना है भाई और कौन से कस्टमर आते हैं, और बाकी ये क्या सामान लेके आई है आज सेल करने के लिए। भाई एक बुक लेके आई है जिसका कि ये प्राइस प्लस कर रही है, मैं वैसे भी नहीं लेने वाला, वेस्ट कर रही है हमारा टाइम ये। तो ठीक है, इसे जाने दो, अभी और कस्टमर्स का वेट करेंगे। और अभी मेरे पास कुछ असेंबल के लिए नहीं, असेंबल के लिए क्या ही बना सकता हूँ, रिपेयर के लिए सामान देख लेता हूँ अभी कुछ, अगर रिपेयर के लिए होगा तो ठीक है। बाकी ये वर्ल्ड भाई मैप पड़ा हुआ है जो कि सेल्फ खाली होने पर ही बिक सकता है, बाकी हाँ काफ़ी ज़्यादा उसका भी अच्छा प्राइस है। और यहाँ पर ना मेरे पास काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, और यार एक बात बताऊं तो भाई असेंबल वाला सामान तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो कोई नहीं, हम वेट करते हैं और हाँ देखते हैं कस्टमर और कितने आने वाले हैं, तभी तो हम अपनी जो हमारा भाई स्टोर है उसे अपग्रेड कर पाएंगे अच्छी तरह। तो हम वेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद भाई मेरे पास कम से कम कलेक्ट हुए हैं $5,813। ऐसे ही कस्टमर आते गए और मैंने भाई ऐसे ही पैसे काफ़ी सारे कलेक्ट मैं करता गया। तो ठीक है, अभी ना ये वाले कस्टमर्स भी अटेंड करते हैं। और भाई एलियन भाई को पता नहीं आज क्या हुआ है, भाई दिन में ना बहुत बारी आ चुके हैं और इन्होंने आज कैसे प्राइस कम दिया है हमें। पर हाँ इसे हम सेल करके भेजेंगे, अपना दोस्त है तो ठीक है, ₹11 प्लस करें इसने तो हम इसे भेजते हैं भाई, डॉलर प्लस करें रुपये भी नहीं, तो ये $80 का भाई ये बंदा भी ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। चलो ठीक है, इसका हम देखते हैं 80 प्लस इसने करें हैं भाई। और जो वर्ल्ड मैप था ना हमारे पास, हमने वो भी सेल कर दिया है, बाकी इसे भी मैंने सामान सेल कर दिया। और अब हमारी बारी आती है, क्यों ना हम अपने स्टोर को अप करें अपग्रेड। और भाई काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड मैं करने वाला हूँ, मतलब पूरे स्टोर को ही अपग्रेड करते हैं। तो इसे पहले क्लोज़ करता हूँ अपने स्टोर को, तो देख लो भाई बान फाइंडर बाहर से देखने में कितना ज़्यादा गंदा है और अंदर से देखने में कैसा है। तो अब हमारी बारी है अपग्रेड करने की। पहले ना मैं नीचे फ्लोर से अपग्रेड का स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, फ्लोर जो हमने अपग्रेड करना है काफ़ी ज़्यादा महंगे वाला भी करना है, और हाँ अच्छा खासा करना है। अभी मैं ना देख लेता हूँ कि हाँ नीचे कौन सा फ्लोर हमें अपग्रेड करना चाहिए। तो अभी ना बहुत सारे कलर हैं इसमें, जो कि मैं चाहता हूँ जो हमारा वॉल है उससे ना थोड़ा मैच हो कलर, हम उस कलर में इसको अपग्रेड करेंगे। बाकी मैंने देखने में भाई अजीब अजीब ही कलर है यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने ना एक भाई फ्लोर देखा है जो कि मेरे को लगता है कि हाँ ये फ्लोर मैच हो जाएगा पूरी तरह से। बाकी तुम्हें मैं सबको दिखाता हूँ, अगर मैच होता है तो मेरे को कमेंट में तुम जाके बता देना। तो ये रहा वो फ्लोर जिसको मैंने अपग्रेड कराया, और हाँ देखने में कैसा लग रहा है भाई, ग्रे कलर का और बीच में इसमें ब्राउन नहीं है, ब्लैक कलर के जो बीच में पॉइंट्स बने हैं काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे हैं। बाकी ये सेल्फ हैं, इनको भी अपग्रेड करते हैं हम। और हाँ सबसे महंगे वाले अपग्रेड करने वाले हैं जो कि हमने सब में कराया है। तो ठीक है, $800 के हैं, पर मैंने देखो सबको अपग्रेड कर दिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसको प्राइस का प्राइस देखते हैं भाई कितना है। तो भाई $1,000 का ये वाला सेल्फ बड़े वाला अपग्रेड हो रहा है, पर ये है हमारा स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो ठीक है, $1,000 का मैंने इसे अपग्रेड करा। अभी मैं ना इसको भी देख लेता हूँ अपग्रेड के लिए। तो ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीट। और भाई अभी ना मेरे पास $907 पड़े हैं, और ये जो सामने जो फ्लोर पड़े हैं मतलब ये वाले सेल्फ, इनको भाई $960 में होंगे ये अपग्रेड। और हमारे पास कितने हैं, सात है, और वो 60 में होंगे अपडेट। तो ठीक है, अभी मेरे को और भी अपने स्टोर को चलाना पड़ेगा, मतलब यार भाई और भी काम करना पड़ेगा। बाकी तुम सब देख लो अपना स्टोर, जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नवा हो गया, मतलब यार ऐसा लग रहा है इतनी पुरानी जो हमारा स्टोर है वो कम से कम 2021 वाली स्टोर हो चुका है। तो ठीक है, बाकी स्टोर देखो और मेरे को कमेंट में बताओ तुम सब हमारा स्टोर है वो कैसा लग रहा है तुम सबको बाहर से। हाँ मेरे को पता है बाहर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पर अंदर से वही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ देखो दो कस्टमर्स आए हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ अभी। ना मेरे पास ये है कि हाँ जो फ्रंट जो भाई पीछे की तरफ हमारे वॉल पे लगे ना वो वाले सेल्फ भाई अपडेट हो जाएंगे। तो अभी ना मैं इसे चेक कर लेता हूँ, बात करता हूँ भाई कितने रुपए देगा इस फोटो को ये। तो ठीक है, $36 इसने प्लस करे हैं। अभी और भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा डॉलर दे ये। तो ठीक है, इसने और भी पैसे दिए $200 के अराउंड, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई इन्हें अपग्रेड कर लिया जाए। तो ठीक है, अपने स्टोर को देख लो। अभी ना मैं और भी चीज़ें करने वाला हूँ, और यहाँ पे जो हमारा स्टोर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अच्छा हो चुका है। हाँ अभी हमें ट्रैवल भी करने जाना है, पर ट्रैवल
मेरे को लगता है भाई देख के आना पड़ेगा, बट अगर ब्रीडिंग हुई वहाँ पे तो भाई हम काफ़ी ज़्यादा घाटे में जा सकते हैं, मतलब यार पैसे कलेक्ट और ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो देखता हूँ भाई ये कितने पैसों में लेने वाला है इसे, $500 अगर ये हो जाता है तो मैं ना उसे भी अपग्रेड कर लूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये भाई $501 में ये चूहे वाली रिंग लेके जा चुका है, तो ठीक है इसे कंप्लीट करा। भाई ये भाई एजेंट किस काम का बंदा है यार, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे पहुँचा रहता है। बाकी ठीक है, यहाँ पे ना ये लड़की कुछ सामान लेके आई है क्या, चलो इसे मैं बाद में देखेंगे। अभी मैंने ना स्टोर अपना क्लोज्ड कर दिया है और आप सबको अब दिखाते हैं अच्छी तरह अपना स्टोर जो कि पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका है। तो नीचे भाई फ्लोर देख लो, इसकी वॉल देख लो, और हाँ जो हमारे सेल्फ हैं वो भी देख लो भाई, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलो ठीक है, हमारा जो भाई अपग्रेड का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। नहीं नहीं कंप्लीट नहीं, अभी फ्रंट के दो सेल्फ बचे हुए हैं, उन्हें अपग्रेड करना बाकी है। बाकी बाहर कोई आया हुआ है क्या? नहीं यार क्लोज है हमारे पास, पर ये लड़की क्यों आई हुई है? तो चलो ठीक है इसे छोड़ो अभी। बान फाइंडर हमारा भाई बाहर से ना कितना ज़्यादा घटिया लगता है, और अंदर आने में भाई पता लगता है कि ये जो स्टोर है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा इस टाइम पर। हाँ पहले का टाइम अलग था भाई, और यहाँ के ना मैं कुछ पोस्टर्स भी चेंज करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे पोस्टर्स लगाएंगे हम। तो ये होगी एक पोस्टर जो कि यार साफ़ हो, ये ना गंदे से लगते हैं थोड़े बहुत। बाकी ना और देखता हूँ यहाँ पे पोस्टर, भाई इस भाई साहब की तो फोटो लगा दी है यहाँ पे। तो ठीक है नॉट ड्रिंक वाली फ़ोटो लगाई है मैंने, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर भी हम कुछ अपडेट करते हैं जो कि देखने में अच्छा लगे। ये भाई साहब भी ठीक लग रहे हैं, कॉय बॉय। तो ठीक है यहाँ पे मैंने बहुत सारा अपग्रेड कर दिया है, हाँ फोटो भी अपग्रेड करी है, मतलब पोस्टर्स जो कि देखने में अच्छे हैं। और यहाँ पे एक और है भाई, नहीं नहीं ये शायद से अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड नहीं होगा ये। तो ठीक है अब यही है जो लास्ट हमारा अपग्रेड के लिए रह चुका है, तो मैं इसका प्राइस देखता हूँ ये अपग्रेड कितने में होगा। तो 820 भाई 820 रुपये में इसका प्राइस घट गया क्या? पहले 960 था पर $820 में, तो मैंने इसे अपग्रेड कर लिया है। बाकी इसका प्राइस नहीं, इसका प्राइस भाई दोनों ना अलग अलग है, ऐसे वो स्मॉल है ये बिग है, पर मैं अभी ना $930 अपने पास रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारे अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहेंगे तो हम ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे, और मेरे को ट्रैवल भी करना है। तो ठीक है इतना हमने अपग्रेड कर दिया, थोड़े बहुत पैसे बनेंगे तब भाई अच्छी तरह अपग्रेड कर देंगे, पर अभी हम चलने वाले हैं भाई जहां ट्रैवल करना है वहां पे, और देखते हैं वहां का क्या सीन है। पर अभी देख लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है ₹475 का रिवॉर्ड भी हमें मिलेगा, तो एक्सेप्ट करते हैं इनकी जॉब और निकलते हैं भाई इनकी जॉब के लिए। पर अगर भाई वहां बिडिंग हुई ना तो हमारा सारा का सारा काम खराब हो सकता है, क्योंकि देखो यार अगर बीडिंग होती है तो भाई हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम बीडिंग के लायक हों, और यहाँ असेंबल करने के लिए भी काफ़ी सारा सामान है। तो अभी यार मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गैराज भी देख लूँ, अपग्रेड होगा क्या हमारा गैराज। अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे भी हम ट्रैवल करने चलते हैं, और ये अंकल देखो गायब होके आते हैं भाई, चल के नहीं आ सकते, मतलब टेलीपोर्ट वाली मशीन पड़ी है अंकल जी के पास। तो ये हमारा गैराज है जो कि बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं हो सकता कहीं से भी मैंने देखा यार। और हाँ अगर हमारा ये जो स्टोर है ये बाहर से अपग्रेड होता ना, मैं इसे बाहर से भी अपग्रेड करता, मतलब एकदम नवा कर देता। जो इसकी वुड है ना बाहर की वो काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती है, तो भाई थोड़ा अपग्रेड तो करना बनता था इसे। पर चलो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो अभी स्टोर को ओपन करूँ? नहीं नहीं स्टोर को नहीं ओपन करना, हम जा रहे थे अभी कहीं बाहर, तो हम वहाँ चलते हैं ट्रैवल करने के लिए, और फिर ट्रैवल करने के बाद देखते हैं कि हाँ भाई क्या बनता है वहाँ पे, मतलब यार क्या जॉब है जो कि हमें उस घर में क्या क्या मिल सकता है। तो चलो एक्सेप्ट करते हैं जॉब और यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे ना भाई क्या क्या यूजेबल, भाई यहाँ पे ना मेरे को पहले ही $5,000 दिखा रखा है जो कि मेरे पास है ही नहीं, तो $250 की इसकी टिकट है। तो अभी ना मैं इससे बाय करता हूँ ये ट्रैवल वाली टिकट, और हाँ मेरे पास ना यहाँ जाने के लिए $5,000 होने चाहिए जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है अभी ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, तो जल्दी से करते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ उस जगह पे, और यहाँ देखो अंकल जी कैसे बैठे हुए थे, और यही है वो हॉरर प्लेस है भाई, देखो ईवल स्वैम्प लिखा हुआ है, स्पेशल मीको स्पेशल इवेंट। तो ठीक है हम चल के देखते हैं भाई यहाँ क्या सीन है, कोने वोने में कुछ पैसे वैसे मिलेंगे क्या मेरे को? तो यहाँ ना मेरी लाइट कहाँ गई भाई, मैं ना अपनी टॉर्च जलाता हूँ अभी और देखता हूँ भाई यहाँ पे क्या क्या है, कुछ भी मिस्टीरियस मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरे को पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पे ना एक ईवल है, तो मतलब भूत वाली प्लेस है भाई ये, तो जो कि मेरे को देख के चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। चलो ठीक है यहाँ पे भाई ये क्या कुछ पड़ा हुआ है? नहीं नहीं पानी है भाई जो कि चमक रहा था काफ़ी ज़्यादा। वहाँ सामने की तरफ कुछ लोग खड़े हैं, तो इनसे बात, भाई ये क्या करिए, हाउ कुड यू टू बी दिस स्टूपिड टर्बो।
तो ठीक है, इससे बात क्या करूं भाई, ये पागल सी लग रही है। तो चलो छोड़ो, अभी ना हम इसका प्राइस देखते हैं। भाई ये तो बिडिंग का ऑप्शन है और मैं नहीं इससे बिडिंग करने वाला, मतलब सेल नहीं कर सकता, मतलब सेल क्या बाय नहीं कर सकता भाई, सेल का काम अलग है। और ये कुछ भाई ये क्यों खड़ा हुआ है यहाँ, कुछ पैसे वैसे देगा क्या हमें? नहीं 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 ये पैसे नहीं दे सकता, हेल्प कर सकता था फाइनेंशियल, पर भाई क्या हेल्प करेगा ये हमारी, मेरे को तो बिल्कुल भी हेल्प के लायक नहीं लग रहा है ये। तो ठीक है गाइज, अभी ना हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो काम क्या बचेगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज इस पर लाइव करके देखें और अपना पहले ना $5,000 का काम पूरा करें, क्योंकि जब अगर हमारे पास पैसे होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो अभी ना मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और यहाँ से ना हम निकलते हैं अपने घर के लिए। तो फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ, तो जल्दी से डोर को ओपन करो, इसे बंद करो। तो हमारा जो, चलो यार आज की एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें स्टोर अपग्रेड करना था, वो भी कर लिया और फाइनल हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये वाला एपिसोड आप सबको पसंद आया हो तो देखो गाइस क्या करना है, आपने जाके नीचे लाइक वाला बटन है उसको दबाना है, और हाँ भाई कमेंट करना है जो भी सीन आपको अच्छा लगा, अगर हमारा स्टोर अच्छा लगा हो उसके लिए भी। और नीचे जो लाल कलर का बटन देख रहे हो ना सब्सक्राइब का, अगर आपने नहीं करा सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।